नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का, ये है 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का। इससे पहले हम लोग 9 सितंबर तक एनालिसिस किए थे, तो 10 सितंबर से लेकर ये पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ है अगस्त का। आप लोगों की बार बार डिमांड भी आ रही है कि अगस्त का पूरा कर दिया जाए, तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अगस्त का पूरा कर दूं। आने वाले 4 से 5 दिनों में अगस्त का भी आपको करंट जो बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहां से मिलेगा पता है ना, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। हालांकि इन क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो के एंड में करूंगा, लेकिन पहले अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर कहीं से भी वो वीडियो देखें, डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें और मुझे पता चल सके, इसीलिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी बेहतर तरीके से होता चले। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। जब मैं आंसर करूंगा तो डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा रिविजन जरूर कराऊंगा। डिटेल एनालिसिस आप लोग को पिछले वीडियो में ही मिलेगा, ठीक, ताकि वीडियो का जो लंबाई है या लेंथ है वो ज्यादा ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर कीजिएगा। इसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन है, लद्दाख का नया राज्य पशु और राज्य पक्षी है? ऑप्शन ये रहा, आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके बाद आज हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं उसे एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज किन किन टॉपिक पर एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा, हर साल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और निभा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पर भी हम ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, लेह हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया जो कि 24 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है, केंद्र सरकार ने एयर मार्शल वीआर चौधरी को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वे वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद पर कार्यरत हैं। और इसके बाद भारत में 2 समुद्र तटों को 21 सितंबर 2021 को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 2 समुद्र तटों के जुड़ने से भारत में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या अब 10 हो गई है। विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन आखिर होता क्या है। और इसके बाद हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में 2 स्थानों का सुधार हुआ है तथा भारत 46वें स्थान पर आ गया है, और कौन सा देश टॉप पर है इस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, और कौन कौन से व्यक्तित्व जो हैं टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं इसे भी देखेंगे। इसके बाद हाल ही में नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI तथा RMI इंडिया द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है इस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से संसद टीवी लॉन्च किया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करके अब एक नया संसद टीवी लॉन्च किया गया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद हाल ही में अमेरिका में क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किया गया, क्या होता है क्वाड, इस बैठक के मुख्य बिंदु क्या था इस पर भी नज़र डालेंगे। और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर होगा, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 सितंबर 2021 को सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है,
और फिर हमारा टॉपिक होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है जिसे एल्डर लाइन कहा जा रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर हमारा टॉपिक होगा 28 सितंबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक होगा लुइस हैमिल्टन पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीती है। चलिए इसके बाद अब हम हर एक टॉपिक का एनालिसिस यहाँ विस्तार पूर्वक से करेंगे। सबसे पहला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या है यह मिशन, क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को हम यहां पर एनालिसिस करेंगे और सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। घोषणा कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 को ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। और वर्तमान में यह परियोजना जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू है और इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रोजेक्ट सफल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है कि अब इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा। और इस मिशन के तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दिया जाएगा, ये ठीक आधार कार्ड की तरह ही होगा और इस आईडी में व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको एक आईडी दिया जाएगा जिसका नाम होगा यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी। और इस आईडी को जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बहुत सारे फाइल लेके जाते हैं कि पिछली बार आपको क्या हुआ था, तो उस डॉक्टर ने कौन से आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, कौन सा रिपोर्ट था, तो एक मोटी फाइल हो जाती है। अब आपको मोटी फाइल रखने की जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड जो है आपका एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी में होगा। बस उस आईडी को लेकर जाए, उस डॉक्टर को दिखाए, वो डॉक्टर आपको सब बता देगा कि आपको कब 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 कौन सी बीमारी हुई थी, कौन कौन सी अपनी दवाएं खाई थी। तो ये फायदा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। क्लियर है आयुष्मान भारत और यह जो डिजिटल मिशन है किस योजना के तहत शुरू किया गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 23 सितंबर 2018 को। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। और 5 लाख रुपए किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। और शुरुआत में यह योजना है जो है बीपीएल परिवारों के लिए लागू किया गया। और नोडल एजेंसी कौन है, यानी कि इस योजना को क्रियान्वित करने का जो एजेंसी है वह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका गठन भी जो है इस योजना के साथ में किया गया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम के जो फंडिंग है 90 और 10 ये आपका पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों के लिए है। 90% तक खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 10% खर्च उन राज्यों को करना होगा। 60-40 ये बाकी राज्यों के लिए है। 60% का जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 40% खर्च स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर विधायिका नहीं है यानी कि विधानसभा नहीं है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 में है। कब मनाया जाता है, डेट इंपॉर्टेंट होता है, 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 27 सितंबर 2021 को भी जो है ये मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने के लिए। आपको पता है कि मैक्सिमम कंट्रीज़ का जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म सेक्टर, इसी को जागरूक करने के लिए, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा समावेशी विकास के लिए पर्यटन यानी कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 2021 का थीम है, इंपॉर्टेंट होता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह मनाया गया और इसकी स्थापना जो है इसी दिन यानी कि 27 सितंबर 1980 को किया गया था टूरिज्म सेक्टर को में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। और इसी दिन इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 27 सितंबर 1980 को और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कृषि
विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ये तो है विश्व पर्यटन दिवस, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से टूरिज्म डे मनाया जाता है जो कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कृषि विश्व पर्यटन दिवस है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला टॉपिक, चीन ने हाल ही में सभी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत हाइक हो गया, बिटकॉइन का प्राइस लो हो गया, तो ये सब डिजिटल करेंसी। हम जो करेंसी यूज़ करते हैं, हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है, यानी कि आप इसे छू महसूस नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर 2021 को सारे क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसे अवैध घोषित कर दिया, यानी कि चाइना में अब यह इलीगल हो गया। ऐसा चाइना ने क्यों किया? क्योंकि डिजिटल करेंसी की तो आने वाली जनरेशन की डिमांड है और इसका जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चाइना ने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी करेंसी पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसे अवैध घोषित किया गया है। अब इसे अवैध घोषित किया गया है तो जाहिर सी बात है कि चाइना अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। भारत में भी पिछले साल से ये चर्चा बहुत हो रही है कि जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसे बैन कर दिया जाएगा भारत में, और भारत की तरफ से अपना जो डिजिटल करेंसी है उसे लॉन्च किया जाएगा। और इस वर्ष डिजिटल करेंसी लाने के लिए खुद का भारत का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी क्या है, 4-5 ऑप्शन दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आया था 2009 में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इस क्रिप्टो करेंसी को कोई भी डील कर सकता है, हम आप सब इस क्रिप्टो करेंसी का डील कर सकते हैं। इसका कोई एक मालिक नहीं होता है, ना ही इसको किसी बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हर पर्सन के द्वारा इसे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। पहला संस्करण है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का, पहली बार आयोजित किया गया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया, और इसके मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के तहत इस क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग और भी बहुत सारे फिल्म से रिलेटेड यहाँ पर कार्य किए जा सके, ताकि इन क्षेत्रों का इकोनॉमी जो है वो इस सेक्टर के माध्यम से बढ़ाया जा सके और दुनिया तक इस क्षेत्र के जो महत्वता है उसे भी पहुँचाया जा सके। और पहला जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इसका आयोजन लेह में किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कब से कब तक किया गया? तो 24 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया गया। और इसी साल जो भारत है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि 75 साल पूरे होने पर, और इसी के उपलक्ष्य में भी यह हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, मेजबानी लद्दाख के लेह में किया गया। अगला जो टॉपिक है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड। हमने कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में एनालिसिस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का एक लक्ष्य है जो कि लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं होती है उन बुनियादी सुविधाओं को मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया गया है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अडॉप्ट किया था और बहुत सारे कंट्री इसका हिस्सा है। ये बुनियादी सुविधाएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सबको जो जरूरी खाना मिल सके, पॉवर्टी दूर हो सके, तो इस तरह से टोटल 17 जो हैं वो गोल हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट किया है, ताकि 2030 तक इन गोल को जो है वो अचीव किया जा सके। और इस गोल को अचीव करने के लिए या फिर इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत प्रमोट भी किया जाता है, ताकि मोटिवेशन मिल सके कंट्रीज़ को। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं बेहतर कार्य करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ, यानी कि जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं उसकी रक्षा कैसे हो सकती है, एनवायरमेंट को बचाकर हो सकता है,
नेचुरल रिसोर्सेज को बचाकर हो सकता है, तो इसकी रक्षा करने के लिए, समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट कब किया गया? 2015 में। लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक। क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है एयर मार्शल V.R. चौधरी होंगे भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख, और ये किन की जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया का, जो कि 30 तारीख को रिटायर हो गए और 1 तारीख से जो है एयर मार्शल V.R. चौधरी जो है वो भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। एयर मार्शल V.R. चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि वर्तमान समय में या फिर हाल ही में किन्हें भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए एयर मार्शल V.R. चौधरी की, इनकी जगह पर तो एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया। भारतीय वायुसेना के बारे में अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो इसे स्थापित किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, पूछा जा सकता है। और वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इसका स्थापना हुआ था। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नव स्पृशम दीप्तम, संस्कृत वर्ड है। और एयर मार्शल V.R. जो चौधरी हैं, जो नए अपॉइंट किए गए हैं एयर चीफ मार्शल, इन्हें विभिन्न प्रकार से लड़ाकू और प्रशिक्षित विमानों पर उड़ाने का जो है 3800 घंटे से अधिक का अनुभव है। तो इनके बारे में इतने पॉइंट्स को कम से कम आप याद रखिएगा। क्लियर। अगला टॉपिक है, दो भारतीय समुद्र तटों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन। अब यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाता है कि आखिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का सबसे सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे साफ सुथरा समुद्री एरिया, वह समुद्री एरिया जिस एरिया में बहुत साफ सफाई है, बहुत क्लियरिटी है, उसे ही ब्लू फ्लैग कहा जाता है। और इस एरिए को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक। तो भारत में अभी तक जो टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त वाला कोस्टल एरिया था वो था 8, अब 2 और मिल गए हैं, तो इसकी संख्या हो गई है 10। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल टैग है, जैसे मैंने आपको बताया कि साफ सुथरे बहुत जो भी कोस्टल एरिया हो, जितने एरिया में है उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और 2021 में प्रमाणन प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट ये कौन कौन से हैं जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया? तो तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन। तो इस तरह से अब भारत में जो है टोटल, पहले 8 थे, अब 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले कोस्टल एरिया बन गए हैं। 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले एरिया कौन कौन से थे? तो गुजरात का शिवराजपुर, दीव में घोगला, कर्नाटक में कासरकोड और पादुबिद्री, आंध्र प्रदेश में कप्पड़केरल, रूसीकोंडा और उड़ीसा में गोल्डन, और अंडमान व निकोबार में राधानगर नाम के 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग पुनः प्रमाणन भी किया गया था, यानी कि इन्हें फिर से जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। और गौरतलब है कि समुद्र तटों में मरीना के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन कार्यक्रम फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और लाभकारी संगठन द्वारा चलाया जाता है, जिसका स्थापना जो है 1985 में फ्रांस में किया गया था, यानी कि इसी संस्था के द्वारा, FAA के द्वारा ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल इंडेक्स से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, तो उसमें से एक है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी, जिसका हाल ही में नया संस्करण जारी हुआ है। और इस संस्करण में भारत की जो रैंकिंग है वो 48 से पहुंच गया है 46 पर। तो इस साल याद रखिएगा भारत की रैंकिंग 46वीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, UK जो है चौथे स्थान पर है। याद रखिएगा कि इनोवेशन इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है या फिर इसके रैंकिंग किस प्रकार से दिए जाते हैं, तो नए नए इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए इनोवेशन का उपयोग किया जाता है, उस क्षेत्र में कौन सा कंट्री सबसे इनोवेटिव है, कौन सा कंट्री सबसे इनोवेटिव के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, इसलिए ये सारे एनालिसिस करने के बाद उस कंट्री को जो है रैंकिंग दिया जाता है
किसका? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और लॉन्च किया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की कितनी विशेष एजेंसी है? 15 है ना, उसी में से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य है यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में इनोवेशन रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण कर बहुआयामी पहलुओं को पकड़कर मजबूत करना है इनोवेशन के क्षेत्र में, ठीक है। और इस इंडेक्स में विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 जो हैं पैरामीटर्स शामिल होते हैं। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्थापित किया गया था और 1970 से यह कार्य करना शुरू कर चुका है। अगला टॉपिक, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दूसरे भारतीय हैं कौन? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और तीसरे भारतीय हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पुनावाला, जिनकी कंपनी जो है कोविशील्ड नाम से कोरोना की वैक्सीन बना रही है। तो टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? आंसर होगा 3। कौन से शामिल हैं? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल हैं, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड के और भी जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं उनका भी नाम इस सूची में शामिल है। टाइम पत्रिका ने 15 सितंबर 2021 को यह सूची जारी की है, जो कि 2021 का है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर एक टाइम है क्या। तो टाइम अमेरिकी समाचार पत्रिका और समाचार वेबसाइट है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। हर साल अलग अलग क्षेत्र में ये अपना मैगजीन रिलीज करता है और प्रतिष्ठित लोगों की सूची भी जारी करता है। और यह पहले साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था, लेकिन मार्च 2020 से यह द्विसाप्ताहिक बदल गया और इस पत्रिका का पहला संस्करण जो है 3 मार्च 1923 को प्रकाशित किया गया था। तो जो टाइम का जो जैसे डेली न्यूज़पेपर आता है ना, तो इसका पहले साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता था, उसके बाद द्विसाप्ताहिक आने लगा मैगजीन। और 100 जो प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करता है, ये वार्षिक रूप से भी करता है, ठीक। चलिए अगला, ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, रूम में ना पंखा है ना एसी है, बहुत गर्मी है यहाँ, ठीक। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डीपली नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, और जब शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग और बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है सुन अभियान। तो हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा सुन अभियान शुरू किया गया है। ये सुन अभियान है क्या, या फिर किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है? तो प्रदूषण युक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ काम करने के लिए एक पहल है। यानी कि आज के ज़माने में अगर देखोगे तो कुरियर के माध्यम से या फिर फूड डिलीवरी, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज जो हैं अलग अलग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस शून्य कैंपेन के तहत मतलब ये है कि उन्हें एक ऐसा गाड़ी प्रोवाइड कराया जाए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो। तो इसीलिए जो है इनके लिए शून्य अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग और माउंटेन इंस्टीट्यूट की तरफ से। शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा सके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ऐसा इनका मानना है। और 1982 में स्थापित RMI एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि NGO है, जिसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक। अगला टॉपिक याद रखिएगा। अच्छा एक और बताओ, ये तो हो गया शून्य जो अभियान, जो कि डिलीवरी बॉयज़ जितने हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, इसलिए शून्य कैंपेन शुरू किया गया है। अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है? तो फेम इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। इस योजना के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखोगे तो शहरी क्षेत्रों में जो मालवाहक गाड़ियां चलती हैं और जितने भी मालवाहक गाड़ियां या फिर जितने भी व्हीकल चलते हैं पूरे इंडिया में,
तो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में जो मालवाहक गाड़ियाँ चलते हैं कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान जो है 10% तक है, और 2030 तक ऐसा कहा जा रहा है कि इस 10% में 140% की वृद्धि हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। ठीक, चलिए, ये जो हमारा अगला टॉपिक है संसद टीवी से रिलेटेड है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब इन दोनों टीवियों को बंद कर दिया गया है, यानी कि इनको मर्ज करके एक टीवी बनाया गया है, एक ब्रॉडकास्टिंग टीवी बनाया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कब लॉन्च किया गया? 15 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से। संसद टीवी एक भारत सरकार की टेलीविजन सेवा है जो संसद के दोनों सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों का जो है वो प्रोग्रामिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग करेगी। इसका गठन मार्च 2021 में दो मौजूदा हाउस चैनलों यानी कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था, और इसके जो सीईओ हैं यानी कि संसद टीवी का सीईओ पहला कौन अपॉइंट किए गए हैं, नाम याद रखिएगा, रवि कपूर। क्लियर, चलिए अगला टॉपिक है क्वाड देशों की पहली इन पर्सन बैठक। अब आपसे क्वाड देश के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इस क्वाड में चार देश शामिल हैं। ये देश कौन कौन से हैं? तो है आपका भारत, ये है आपका अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका जापान। तो इस तरह से चार देशों को मिलाकर एक क्वाड ग्रुप बनाया गया। आप देख रहे हो ना, एक क्वाड साइज का है। ठीक है, इसका जो बैठक है हाल ही में आयोजित किया गया, इसके बैठक का मुद्दा क्या है और क्वाड को क्यों स्टैब्लिश किया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पहली बार जो है इन पर्सन बैठक का आयोजन हुआ है, यानी कि आमने सामने। 2017 में हालांकि इसे स्टैब्लिश कर लिया गया था लेकिन इसका बैठक आयोजित नहीं हुआ था, और फिर जब बैठक होना था तो कोरोना की वजह से सिर्फ वर्चुअल हुआ था, और अब इन पर्सन बैठक जो है पहली बार सितंबर 2021 में ही किया गया है। नवंबर 2017 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव न पड़े, अगर कोई प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है तो उसे काउंटर करने की कोशिश किया जा सके, इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ में क्वाड को एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन आ जाता है जहाँ पर साउथ चाइना सी, जैसे ही नाम बोलता हूँ आप लोग समझ जाते हो कि चाइना का पर यहाँ पर प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, और इस साउथ चाइना सी से बहुत सारे ट्रेड होते हैं, अमेरिकन ट्रेड भी होते हैं, एशिया में जो मेन ट्रेड होता है अमेरिका का वो साउथ चाइना सी से गुजरता है, भारत जो ट्रेड करता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ में वो साउथ चाइना सी के जरिए ही करता है। तो अगर यहाँ पर चाइना का दबदबा बढ़ जाता है तो इन कंट्रीज़ को जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, बहुत खतरा हो सकता है। तो इस क्षेत्र में चाइना के दबदबा को कम करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ही क्वाड को एस्टैब्लिश किया गया है, और क्वाड के इस बैठक में इस मुद्दे के अलावा पर्यावरण मुद्दों पर भी चर्चा हुआ, कोरोना महामारी पर भी चर्चा हुआ, और दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास भी किया जाएगा, इस बैठक में ये भी कहा गया है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वां जो सत्र है न्यूयॉर्क में, उसमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। तो 76वें सत्र के बारे में भी आप याद रखिएगा, और पिछले लेक्चर में भी हमने 76वें सत्र के बारे में एनालिसिस किया था, तो ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। ठीक, अगला जो टॉपिक है ये है G20 भारत के लिए शेरपा नियुक्त किए गए हैं। कौन? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अब G20 शेरपा का मतलब क्या हुआ? G20 शेरपा का मतलब कि G20 का प्रमुख एक कंट्री का कौन होता है? उस देश के प्रमुख। जैसे भारत को अगर G20 में मेन जो उसका सबमिट होता है उसमें हिस्सा लेना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो प्रमुख शेरपा होंगे, प्रमुख सलाहकार होंगे, वो कौन होंगे? पीयूष गोयल। ठीक, तो शेरपा का मतलब समझ गए, सरल भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया। G20 आपको पता है कि प्रभावशाली समूह है जो कि दुनिया के विकासशील देश और विकसित देशों के साथ में मिलकर बनाया गया है। अगला G20 शिखर सम्मेलन जो है वो अक्टूबर में यानी कि 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। आपके लिए एक यहाँ पर प्रश्न है, ये बताइए कि 2020 G20 शिखर सम्मेलन जो था वो कौन से देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? 21 का तो इटली की अध्यक्षता में किया जा रहा है, और भारत में भी
1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कि 2023 की जो अध्यक्षता होगा 1 दिसंबर से लेकर जो पूरा 2021 की अध्यक्षता वो भारत करेगा, और 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की नई दिल्ली में किया जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिख लेना। G20 को आपको बताया कि 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके और डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री साथ मिलकर काम कर सके ताकि उन्हें भी फायदा हो और डेवलपिंग कंट्री को भी विकसित किया जा सके। G7 कंट्रीज की पहल पर G7 कंट्रीज की पहल पर ही G20 को इस्टेब्लिश किया गया था। G7 कंट्रीज में कौन कौन? कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें हालांकि रसिया भी था जो कि यह G8 कहलाता था, लेकिन क्रीमिया के मामले में 2014 में रसिया को बाहर कर दिया गया, तो यह पुनः जो है G7 हो गया था। G7 कंट्रीज के अलावा इसमें रसिया भी है, तो जी और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की इसके हिस्सा हैं। तो इस तरह से G20 कंट्रीज में कौन कौन है इसका नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 और 23 के लिए रवि फसलों पर MSP में वृद्धि कर दी गई है। अब इसका फैसला कौन करता है? तो आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय जो समिति है वो फैसला करता है कि कितना MSP बढ़ाया जाए। तो MSP बढ़ा दिया गया है 8 सितंबर 2021 को। हमने खरीफ फसलों के लिए हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि MSP क्या होता है। तो MSP वह प्राइस होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह कीमत होता है जिस कीमत से नीचे सरकार इस फसल को नहीं खरीदती, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुआ है उतनी पर तो खरीदी की ही जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 2022 और 23 के लिए गेहूं पर 2015 रुपये पर क्विंटल कीमत निर्धारित किया गया है, यानी कि इस कीमत से नीचे फसल की खरीदी नहीं की जा सकती, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो। ठीक, और रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की MSP बढ़ाया गया है। जैसे गेहूं पर देखोगे तो 1975 रुपये था, तो 2.03% की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार बार्ले पे कितना है, ग्राम पे कितना है, मसूर पे कितना है, मस्टर्ड पे कितना है, सैफ्लावर पर कितना है, तो ये सारे किस प्रकार से वृद्धि किया हुआ है ये चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लेना और PDF भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, उधर हिंदी में दिया हुआ है, ये पूरा हिंदी में चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप MSP वाला देख लेना। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? जब खरीफ सीजन के लिए अनाउंस किया गया था तो उस बार भी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अशिष्ट फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करता है। हाँ, और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो गन्ने के लिए यहाँ पर अलग से FRP होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों पर दिया जाता है, जिसमें से 16 से ज़्यादा शायद खरीफ है और 16 से ज़्यादा जो है खरीफ पर दिया जाता है और 6 से 7 फसल है जिस पर रबी पर समर्थन मूल्य दिया जाता है। अगला टॉपिक है एल्डर लाइन 1457। ये क्या है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अब देखोगे तो एक अनुमान है कि 2050 तक भारत की जो 30% आबादी है वो बुजुर्ग होगी, यानी कि वरिष्ठ होगी, क्योंकि भारत में अभी सबसे ज़्यादा युवा निवास करते हैं पूरी दुनिया में, तो ये तो जनरेशन कभी ना कभी बूढ़ी होगी। तो 2050 तक भारत की 30% आबादी बुजुर्ग होगी, तो इनके सामने समस्याएं भी आएंगे, पेंशन से संबंधित समस्या आ सकता है, हो सकता है इनका जो इनके जो राइट्स हैं उस पर किसी प्रकार से दखल हो सकता है। तो इन सब की सहायता के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1457, जिस नंबर पर ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। और इसे जारी किया गया है किसकी मदद से? विजय वाहिनी चैरिटेबल फाउंडेशन की मदद से, जो कि टाटा ट्रस्ट की एक विशेष पहल है। तो इन नागरिकों के लिए यह जो एल्डर लाइन शुरू किया गया है किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, किस की मदद से किया गया है, इतनी बातों को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम
जन केयर 28 सितंबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जन केयर शीर्षक नाम से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को है शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी में 75 स्टार्टअप इनोवेशन की पहचान करने के उद्देश्य से जो है इसे शुरू किया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यानी कि ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर जो है इन क्षेत्र में 75 स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ सके और इसे प्रमोट करने के लिए है जो है इसे शुरू किया गया है। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, लुइस हैमिल्टन ने 100वें ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर बन गए हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यही वाला है कि इन्होंने अपने कैरियर का 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीता है और फॉर्मूला वन रेसिंग में ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इन्होंने 26 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्रिक्स में यह उपलब्धि हासिल की, 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश की जो रेसिंग ड्राइवर हैं, फॉर्मूला F1 चलाते हैं और मर्सिडीज टीम की ये हिस्सा है। तो ये भी याद रखिएगा, मर्सिडीज टीम का ये हिस्सा है। चलिए इसके बाद जितने भी हमने शुरू स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे थे उसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। पहला, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 गोल्ड जीता है इंडिया ने, इसके अलावा 8 सिल्वर और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। ठीक, तो इस तरह से टोटल 19 पदक यानी कि अब तक का सर्वाधिक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने पदक जीते, कुल पदकों की संख्या है 19। ब्रीफ में एनालिसिस किया हुआ है तो पिछला वीडियो अगर ब्रीफ में देखना चाहते हो, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहते हो तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो आंसर होगा चीन, दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। अगर सिर्फ ओलंपिक 2020 की बात करें तो पहले नंबर पे है अमेरिका और दूसरे नंबर पे है चीन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में फ़र्क क्या होता है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि ओलंपिक नॉर्मल खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है और पैरा ओलंपिक में जो शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से विकलांग, आप उन्हें कह सकते हो कि किसी न किसी रूप से हैं, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक आयोजित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो इसकी अध्यक्षता इस साल भारत द्वारा किया गया है। इससे पहले 2016 मई में गोवा में भी भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ब्रिक्स का मतलब क्या है? तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ये एक समूह है। ठीक, चलिए अगला, लद्दाख का नया राज्य पशु और राज्य पक्षी क्या है? तो हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक क्रेन को हाल ही में लद्दाख और का नया राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो है वो घोषित किया गया है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, गर्मी से पूरा तर बतर हो चुका हूँ। अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, किसी प्रकार से कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि गर्मी में आज बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतने, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।